अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा टाइम्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं बिस्किट बनाने वाली भट्टी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ारा टाइम्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के ऊपर मौजूद है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखे, स्किप मत कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भट्टी बनाने वाला कारीगर उस्ताद नसीर साहब। जी नसीर भाई, इस भट्टी पर मुकम्मल कितना खर्च आता है? इसमें तकरीबन 1.5 लाख 1.60 लाख रुपया आता है। मतलब कि ये जो आप लोगों ने भट्टी बनाया हुआ है ना जी, ये भट्टी भी तो बहुत बड़ा है ना जी? जी 30 पतरे वाला है। 30 पतरे वाला है जी, मतलब कि 30 पतरे बिस्किट इसमें पक सकता है जी। और उस्ताद आप ये भी बताएं कि इसका ऊंचाई और चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है? इसका लंबाई है अंदर अंदर 9 फुट। अच्छा, और चौड़ाई इसका जो है 7 फुट है। माशाल्लाह, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 4.5 फुट। 4.5 फुट, बिल्कुल ठीक है। उस्ताद इसमें क्या क्या मटेरियल डालते हैं थोड़ा सा? 20 मन नमक आता है ठीक है, 20 मन शीशा आता है ठीक है, और मट्टी आता है, रेत आता है, बजरी आता है। अच्छा, 2500 ईंट आता है ठीक है जी। और दूसरा जो दरम्यान में पक्का वाला ईंट जो, वो मसाले वाला 300 ईंट आते हैं। अच्छा जी जी। और आप बता सकते हैं उस्ताद ये कितने दिन में ये मुकम्मल तैयार होता है? 5 दिन में। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये इसी वीडियो को आप देखते रहिए, तफसील से हम आपको बताएंगे मजीद। और उस्ताद का मोहतरम का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस्ताद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी इसी वीडियो को देखे और भट्टी बनाना चाहे तो उस्ताद नसीर से लाजमी रब्ता करें। जी नाज़रीन, जहाँ तक हमने देखा कि नसीर भाई ने सबसे पहले कमरे के अंदर 9 बाई 7 फिट का नक्शा बनाकर इस पर मुख्तसर सी दीवार बनाई। इसके बाद नसीर भाई से सुनते हैं। शीशा डाला है ठीक है ठीक है, शीशे के ऊपर नमक डालते हैं ठीक है। कितना नमक भी? 10 मन। अच्छा माशाल्लाह। और इसके आधा माल नीचे आता है। अच्छा, जितना माल इसके नीचे फर्श में आता है इतना इसका ऊपर डाट पर आता है ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर बुराई होता है मिट्टी का ठीक है ठीक है। पहले तो नीचे तो फर्श लग गया है ना ये ठीक है जी जी, ये फर्श हम लोग लगा रहे हैं ठीक है। इसके ऊपर जो है ना माल पकेगा ठीक है। तो कल मतलब कि सबसे पहले नमक डाला हुआ था, पहले शीशा फिर ठीक है, फिर उसके बाद नमक था, उसके बाद नमक डाला है, उसके बाद नमक के ऊपर बजरी डाला है, बजरी डाला है, बजरी के ऊपर रेत लगा है ठीक है, रेत के ऊपर अभी ये ईंट का मसाले वाला ईंट के फर्श लगा ठीक है। इसके बाद क्या प्रोसेस है आप लोगों का, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसका पीछे वाला स्लीपर बनाएंगे। अच्छा, मतलब की ऊंचाई करना है इसका, फिर इसका वो करना है डाट लगाना है ठीक है। उसके बाद फिर जी, फिर इसके बाद जो है ना जब डाट में निकल गया फिर इसका तैयार करेगा, फिर आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जो चीज़ें जो मटेरियल पहले लगी थी नीचे ऊपर भी उसी तरह लगती है ताकि भट्टी गर्म रहे। अगर आप लोगों ने ज़ारा टाइम्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़ारा टाइम्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।